गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी हमें यहाँ पे जोधपुर में गाड़ी की लोडिंग कर दी है। स्टार्ट 8 बजे लोडिंग स्टार्ट की है और बोल रहे थे सुबह में 6 बजे होगी, 6 के 8 तो बज ही गए। अभी देखते हैं कब तक यहाँ से फ्री करते हैं अपने को। हो रही है लोडिंग। ये पूरा माल इस बार ना एक ही माल है, ये माल ठीक है, बाकी तो वो जो कट्टे रहते हैं उनमें दिक्कत है भाई। एक तो लोडिंग की दिक्कत, ऊपर से अनलोड करने जाओ तब डबल मजदूरी लगती है, उसमें खर्चा भी बढ़ जाता है और अपने को भाड़ा तो वही मिलता है जो इसमें मिल रहा है भाई, तो दो माल ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये माल है अब यहाँ से उठाएंगे, पहले बड़ी वाली पेटियाँ रख रहे थे, अभी ये छोटी पेटी रख रहे हैं। और इससे अलावा और कोई अलग माल होगा पता नहीं। ये चक्की में जो अंदर लगते हैं आटा पीसते हैं ना, वो माल। और ये लेके जा रहे हैं, देखते कब तक लोड होगी। बीच में ये रोक दी थी लोडिंग इन्होंने, चाय नाश्ता करने के लिए चले गए थे, अब 9:15 बज चुके हैं। अभी तक तो आधी गाड़ी भी लोड नहीं हुई है, इसके ऊपर भी माल आएगा। ऑलमोस्ट लोडिंग कंप्लीट हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा ही माल बचा है। भत्ता लगाना एक पीछे वाला, क्योंकि बीच में तो भत्ते लगेंगे नहीं। अब शायद पीछे आएगा और दो पेटी आएगी, बस दो पेटी बची है अभी भाई। अब एक ही पेटी बची है, ये आखिरी पेटी है, बस ये लोड हो जाए फिर अपना यहाँ पे काम खत्म। लोडिंग वाला बोल रहे त्रिपाल करना पड़ेगा। अब यार इस माल में क्या ही त्रिपाल करेंगे, तो हल्का फुल्का त्रिपाल डाल देंगे टेम्परेली। फाइनली भाई अब निकल चुका है कंपनी से बाहर लोडिंग करके कंप्लीट, और ये बिल भी मिल चुका है अपने को। मुंद्रा में खाली करेंगे भाई, अब कांटा करवाएंगे, एक कांटा पर्ची वहीं पे छोड़ देंगे, देखते हैं वजन कितना आ रहा है। वो तो बोल रहा है भाई 30-31 टन आ जाएगा, अगर 30 हो गया तो ठीक है भाई, 30 से कम रहेगा तो दिक्कत की बात है। कल भाई हम यहाँ से आए थे, राइट साइड में जो रोड है ना ये चौराहे से, इस साइड से हम आए थे। ओ भाई भाई भाई, यहाँ से आए थे कल हम, और भाई अभी हम आ चुके हैं पाल सर्कल पे, और अभी लेंगे पाल सर्कल से हम लेफ्ट साइड में सीधा बालोतरा के लिए, और राइट साइड में रोड जा रही है सिटी के अंदर। नागौर जाना हो तो यहाँ से भाई सीधा, अब रुकेंगे इस होटल पे रामदेव होटल, यहाँ पे खाएंगे खाना, क्योंकि यहाँ पे खाना एक नंबर मिलता है भाई। कैसा मिलता है खाना? अच्छा मिलता है, जोरदार भाई, मजा आ जाता है यहाँ पे खाना खाते हैं ना, तो मजा ही आ जाता है कुछ। इसलिए अब ये होटल तो हमने फाइनल फिक्स ही कर दिए, इसी होटल पे आके खाना खाने का। हाँ यही है ना, दूसरी नहीं है ना? यही पक्का? क्या पता तुम रात को अंधेरा था, सही से पता ना चला हो। अच्छा, खाना खा लिया है, अब यहाँ से निकलते करते अपना सफर कंटिन्यू। अब हासम चलाएगा गाड़ी,
निकल रहे होटल से, रामदेव होटल चौधरी, यहाँ से निकलते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है भाई, कहीं नहाएंगे आगे नहाने की जगह मिली तो। यहाँ पे नहाने का तो कुछ है ही नहीं, नहाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू भाई। अभी हम पहुँचने वाले हैं बल्होत्रा। अब ये रोड छोड़ देंगे, ये रोड जहाँ यहाँ से जा रही है सीधे अपना बाड़मेर के लिए भाई तू हो गए। और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड में। और भाई अब ये रोड हम छोड़ रहे हैं, माल पता नहीं कैसे रखा हुआ है, पीठ के टच किया हुआ है ना, काफी ज्यादा आवाज कर रही है, पीठ टूट ना जाए तो बस। भाई अभी आ चुके हैं सिंदरी और आसम बोल रहा है हॉर्न चेक करवाना है, तो अभी रुकते हैं यहाँ पे, हॉर्न चेक करवाते हैं भाई क्या दिक्कत है हॉर्न में। तो मुझे तो पता ही है कि हॉर्न तो भाई अभी तो बनने वाला है नहीं, भले ये इसको चाहे कुछ भी कहना हो करना हो भले कर ले, दिखा ले किसी को भी, लेकिन हॉर्न तो नया ही डालना है अपने को। तो तेरी खुशी के लिए जा लेके आ, ठीक है? ज़्यादा खर्चा होगा तो मैं रिपेयर नहीं करवाऊँगा, पक्का? ठीक है जा भाई। अभी बज रहे रात के 10 और हम यहाँ पे साचौर में होटल पे रुके थे खाना खाने के लिए, खाना खा लिया है और आसम गया है पानी की बोतल भरने के लिए, वो आता है तो फिर यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी भी स्टार्ट कर दिए, फिर करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। अभी आसम सो जाएगा, मैं गाड़ी चलाऊँगा यहाँ से गुजरात में एंटर करके, फिर वहाँ पे डीजल डलवाएंगे क्योंकि डीजल जो है वो कम है अपनी गाड़ी में। भाई अभी हम आ चुके हैं साचौर, साचौर में स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। आसम सो गया है कंबल को खींच के पूरा, ये जा रहा है भीनमाल के ये रोड, ये साचौर सिटी के अंदर। राजस्थान आरटीओ चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और जाते समय तो भाई काफी जाम है, अपने आगे कोई गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल खाली निकल चुके हैं यहाँ से। फाइनली भाई अब हमने एंटर कर लिया है गुजरात में, राजस्थान को कर दिया है बाय बाय। तो भाई अब सामने गुजरात का चेक पोस्ट है, भाई लग चुका है जाम अभी, और इन भाई को काफ़ी ज़्यादा उतावल है, देख रहे हो लाइन लगा के खड़े हैं। हम यहाँ पे भाई टाइम पास कर रहे हैं, हमें शौक है यहाँ पे रुकने का। और भाई ये हम पहुँच चुके हैं सुई गांव, भाई यहाँ पे लुखे खड़े हैं, देख रहे हो रात को लुखे खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे रास्ता खराब है ना इसलिए यहाँ पे खड़े, पता है गाड़ियाँ सभी एक नंबर गियर में ही आ रही है इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। अभी बस वाले को रुकवा रहे हैं, सरकार पगार देती नहीं है किसी को भाई, क्या भी बोले भाई। अभी 3 बज चुके हैं और हम सिद्धाड़ा पहुँचाए और आसम को जगह दिया है, अब आसम चलाएगा गाड़ी, मैं सो जाऊँगा। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।